सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो एक बार फिर वापस आ गए हो दोस्तों आपके लिए YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स। सो दोस्तों, पहली अपडेट जो मैं देने जा रहा हूँ वो है साइमन सेज के बारे में। तो साइमन सेज ने अपने चैनल पर अभी जो है रिसेंटली एल्विश यादव के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया है गाइज। तो उसी वीडियो में से गाइज एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। पिछले एक साल में एक नया व्लॉगिंग चैनल आया है, इज माई न्यू फेवरेट व्लॉगर एल्विश यादव व्लॉग्स। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एल्विश यादव इज अ बिग यूट्यूबर। उसका एक मेन चैनल है जिसपे वो स्केचेस बनाते हैं विद ओवर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं एल्विश यादव के स्केचेस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ओके? अगर आपको एल्विश यादव के मेन चैनल का रोस्ट वीडियो देखना है तो आप मेरा 3 साल पुराना अमित भड़ाना रोस्ट वीडियो देख लो, इट इज द सेम थिंग। वो एक इंडियन व्लॉगर है और हिंदुस्तानी भाव के जाने के बाद वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अकेला रक्षक बचा है सोशल मीडिया पर। अपना इंडियन कल्चर जो होता ना, हर कंट्री का एक कल्चर होता ना, अपना भी एक कल्चर है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर घुसता जा रहा है, समझ जाओ ना बात को। है हिंदू सो रहा है और एल्विश यादव उन्हें जगाने के लिए आ गया है। हम एक एल्विश यादव रोस्ट वीडियो, अगर आप कैरिमिनाटी के वीडियो से ह्यूमर निकाल दो तो क्या बचती है, गालियां। अभी उसमें हिंदुस्तानी भाव और मिर्जापुर के मीम्स ऐड कर दो और फिर हर लाइन के बाद एक बॉम्ब वाला इफेक्ट डाल दो, एंड जस्ट लाइक दैट गर्मा गर्म एल्विश यादव रोस्ट वीडियो तैयार। तो दोस्तों, साइमन सेज के इस वीडियो के बाद जो है एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखे, आई नो एपिसोड 3 का वेट है, यहाँ लॉकडाउन लग रखा है, थोड़ा टाइम लगेगा बट वीडियो आएगी जल्दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एल्विश यादव का नेक्स्ट रोस्ट वीडियो किसके ऊपर आने वाला है, मुझे नीचे कॉमेंट में लिख के जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ अमन धतरवाल के बारे में। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जो है अमन धतरवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और फिर जो है कुछ टाइम के बाद उनके रिक्वेस्ट के बाद जो है इंस्टाग्राम अकाउंट अभी उनका वापस रिकवर हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड गाइज उनका एक रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले करके आप भी देखिए। हाय एवरीवन, वी आर बैक ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या मेन हैंडल हमें अपना वापस मिल गया है। हमने तो होप छोड़ दी थी कि ये वापस आएगा या नहीं, क्योंकि 3.5 दिन लग गए थे इसके अंदर और नया भी खोल लिया था उस चक्कर में। पर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा सारी चीज़ों में और जितने भी बीच में लोग थे जिन्होंने ये हेल्प किया पूरे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, उन सभी का बहुत शुक्रिया। चलो तब से दोबारा शुरू करते हैं, यहाँ पे फिर से फोड़ना। ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की और मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल गुरुजी वर्सेस टेक्निकल सागर के बारे में। सो आपको बता दो दोस्तों कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले टेक्निकल गुरुजी ने अपने चैनल पे पबजी मोबाइल के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पबजी जो है वो कब लॉन्च होगा। अब इसके ऊपर जो है गाइस रिएक्ट करते हुए टेक्निकल सागर ने अपने वीडियो पर जो है काफी कुछ बोला है टेक्निकल गुरुजी को पबजी से रिलेटेड गाइस। तो वो क्या है मैं आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, आप भी देखिए गाइस। कि जितने भी ये बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड टेक यूट्यूबर्स हैं, ये पबजी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं ये बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग लीक्स आ रहे हैं कि पबजी आने वाला है, 6 मई को आएगा या मई के पहले हफ्ते में आ सकता है। पबजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियो अपलोड हुई जो डिलीट कर दी गई। इसी चीज के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेक यूट्यूबर, दुनिया के सब्सक्राइबर के हिसाब से, नॉलेज वॉलेज के हिसाब से तो नेस्ट नीचे भी नहीं आते कहीं पे, डब्बे खोलते हैं वो लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं पबजी के ऊपर जिसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लीक्स आए हैं वो खुद जानते हैं कहां से आए हैं लीक्स, कहां से मैं भी बता सकता हूं, मेरे पास लीक्स आए हैं 6 मई को पबजी आने वाला है। अब ये सच है झूठ है कौन पूछने वाला है, 6 मई को फिर बोल दूंगा कि सितंबर में आने वाला है, मेरी तो चलती रहेगी ना, लोग तो पागल बनते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की और मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो दोस्तों, अभी लक्ष्य चौधरी ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर जो है कुछ स्टोरी शेयर करी थी जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो इसलिए गाइस क्योंकि आजकल जो है लोग डोनेशन कर रहे हैं एनजीओस में, क्योंकि आजकल जो है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सप्लाई कम हो रही है और ये एनजीओस जो है वो पैसा ले रहे हैं लोगों से ये बोल के कि जो है हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस हॉस्पिटल को या किसी और हॉस्पिटल को। लेकिन आपको बता दूं गाइस कि इस चीज पर जो है कुछ जेनुइन भी है तो कुछ फेक भी है। कौन फेक है और कौन जेनुइन है गाइस ये बताना तो इतना इजी नहीं है, लेकिन इसी चीज के ऊपर जो है लक्ष्य चौधरी ने अपना रिएक्शन दिया है कि किस तरीके से जो है ये एनजीओस जो है लोगों को बेवकूफ बना के उनका पैसा ले रही है और जो है कोई भी हेल्प वो प्रोवाइड नहीं कर रही है किसी को भी। तो उसी वीडियो में से गाइस मैं आपको एक पार्ट प्ले करके दिखाता हूं, आप देखिए कि लक्ष्य चौधरी का इस चीज से रिलेटेड क्या रिएक्शन है।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक ही चीज कहूंगा कि जो तुम्हारा पैसा है भाई अपने पास रखो, किसी को मत दो, ना एनजीओ ना थर्ड पर्सन ना कुछ, क्योंकि तुम लोगों को दे रहे हो वो लोग जाके, कुछ लोग तो वही जो एनजीओ बने बैठे हैं, जो तुम्हारे फाउंडेशन और हेल्पिंग हैंड बन के जो तुमसे पैसा लूट रहे हैं वो स्टॉक कर रहे हैं सुबह सुबह जाके। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन कुछ तो लोग, इन लोगों ने जो पैनिक होके रख लिया बैकअप में, और कुछ इन लोगों ने, तुम फिर कॉल करते हो इन्हें कि भैया चाहिए इंटरनेट पर नंबर पड़ा था, तो फिर थर्ड पर्सन से कॉल कराएंगे कि हाँ भाई अगर चाहिए तो आखिरी बचा है, इतने में लेना है तो लो। मैं 6,000 रुपए की ऑक्सीजन किट लेके आया हूँ अपने एक जानने वाले के लिए, अपने सारे कॉन्टेक्ट लगाने के बाद 6,000 रुपए की, जो 800 की मिलती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर तुम किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके किसी और को दे रहे हो ना पैसा, वो पैसा तुम्हारे भी काम, तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है उस पैसे की, अपने ही पैसे की, और तब तुम्हारे पास होगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि चीजें ब्लैक में बिक रही हैं, चीजें स्टॉक कर चुके लोग, तो यार अपने पास ही रख लो अपना पैसा, वो ज्यादा बेटर है। और मैं पहले बोलने से डर रहा था, और डर भी नहीं रहा था यार, वो आंखों वाली शर्म, मैंने कहा क्या कहेंगे जो लोग करवा रहे थे और लोग फॉलो करते हैं, मुझे नहीं डर है फॉलो करना, हो किसी को कर देना, लेकिन जो चैरिटी स्ट्रीम हो या डोनेशन वोनेशन की चूतियापंती कर रहे हैं ना जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, या तो भाई तुम चूतिए हो या तुम जनता का चूतिया बना रहे हो, ठीक है। जितना डोनेशन हो सके उतना करना, हम लाइव स्ट्रीम करें, भोसड़ी के उनका पैसा उनके काम आने दे, क्यों ये फ्री सेवा के लिए क्यों लूट रहे हो लोगों को, किसी को नहीं चाहिए फ्री सेवा। मार्केट में चीजें खत्म हो गई, 3-3, 4-4 गुने रेट पे बिक रही हैं, ठीक, कहां फिरेंगे, फ्री सेवा वाले नहीं फोन उठाते। तो भोसड़ी के चूतिया मत बनाओ जनता का, बस यही कह रहा हूं, अनफॉलो मारना हो मार दो। इन लोगों से एक अपील है, ये लाइव स्ट्रीम या डोनेशन कैंप चलाने से पहले बहनचोद घर से बाहर निकलो, पता करके आओ अपने फ्री सेवा, जितने तुम्हारे ये मसीहा बन रहे हैं ना, पता करो एक बार, एक चीज खरीद के देखो पहले, एक बार हेल्पलेस वाली कंडीशन में आगे खरीद के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम जनता कह रहे हो ना बहुत बहुत डोनेशन करना, खूब करेंगे, हाँ मजे आएंगे, और करो और बढ़ा दो, और गोल बढ़ा दो, कुछ नहीं दे रहे वो, कुछ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया है, लोगों का पैसा लोगों पे रहने दो, ठीक है, ज्यादा बढ़ाइयों में मत आओ, रहने दो भाई, उनके 500, 1,000, 1,500 रुपए उनके पास रहने दो, उनके अपने काम आ जाएंगे। जब तुम्हारे फ्री सेवा वाले कॉल नहीं उठाएंगे या ब्लैक में बेच रहे होंगे ना, तो बेचारे खरीद तो लेंगे, खत्म मत करवाओ, अभी लंबा चलेगा ये। किसी के पास नहीं है जनता की सेवा करने के लिए 7-8 घंटे, 8-9, 9-10 घंटे की लाइव स्ट्रीम करना, 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम करना, ठीक है। मेरे को तो भाई साफ लगता है इन लोगों का कमीशन सेट रहता है, या इन लोगों का कुछ ना कुछ अपना फायदा रहता है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या लोग इमोशनल होकर और ज्यादा फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या नंबर्स बन जाएंगे। क्योंकि अगर इनको सच में पैसे देने हो तो यार, अगर एक एक यूट्यूबर ना जितने करते हैं चैरिटी स्ट्रीम या जितने लोग बोलते हैं अपनी स्टोरी में टैग करके, अगर ऐसे टाइम पे अपने एक एक स्पॉन्सरशिप का भी पैसा दे देंगे ना, करोड़ों बैठ जाएंगे। लेकिन इनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता, चूतिया बनाते हैं कि चैरिटी स्ट्रीम करेंगे तुम लोग देना, तुम्हारी सेवा के लिए तुमसे पैसे मांग रहे हैं, भाई कॉमन सेंस कहां चला गया भाई। मैं सच में यार, मैं तो ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, किसी को अनफॉलो मारना हो मार दे ना, ना मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लेना चाहता, क्योंकि आधे तो खुद चूती हैं और दूसरे दूसरों का चूतिया बना रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट्स, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लो और घंटी दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइस।